अच्छा, क्या सात से जी, क्या मतलब मनुष्य की जो मृत्यु का समय है वो निर्धारित रहता है, या मतलब इच्छा मृत्यु भी इंसान मतलब अपनी इच्छा से मरता है, ये क्या? देखिए, एक स्वाभाविक मृत्यु एक प्रकार की है, बाकी सब एक्सीडेंटल है। कैसी? स्वाभाविक मृत्यु एक है जो वेद ने दिया है, जीवे में श्रद्धा सतम सूर्याम श्रद्धा सतम पर ब्रवाम श्रद्धा सतम बहुत अधीना श्याम श्रद्धा सतम और भूजस्य श्रद्धा सतम। सौ वर्ष सामान्यतया 100 वर्ष माना है, लेकिन हम आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य इन तीनों के द्वारा हम अपनी जीवन को अपने श्वासों को हम बढ़ा सकते हैं। आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य के द्वारा लंबी आयु तक भी हम जी सकते हैं जी। ऐसे प्रमाण बहुत सारे मिलते हैं जिन्होंने योगाभ्यास के जरिए अपनी आयु को बढ़ाया है। बाकी एक्सीडेंटल मृत्यु है वो होती रहती है बीच बीच में, कहीं कोई बच्चा अभी जवान अवस्था में लेकिन अचानक एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उसके जितने कर्म थे वहां तक वो ईश्वर के संज्ञान में है, उसके जितने बचे हुए मनुष्य होने के जितने बचे हुए कर्म है वो संचित है, जब उनकी बहुलता होगी तब फिर शरीर मिलेगा। अच्छा, जैसे कि अपने यहाँ क्या होता है सनातन संस्कृति में ऐसा है कि एक संत अगर वो एक्सपायर होता है तो उसको दफनाने की प्रक्रिया है, एक बच्चा यदि एक्सपायर होता है शादी से पहले तो उसको भी दफनाने की प्रक्रिया है, और वैसे ही जलाने की प्रक्रिया है अपने यहाँ जो अंतिम संस्कार की क्रिया है वो जलाने की है, और सन्यासी और बच्चों को दफनाने की है। तो इसमें आर्य समाज का मत क्या है और वेद में मतलब इसको कैसे? देखिए, सबसे वेद में क्या महत्वपूर्ण चीज जो मैं आपको बताऊं इस संबंध में, महर्षि दयानंद सरस्वती ने संस्कार विधि लिखी है, और संस्कार विधि में अंतिम जो संस्कार उन्होंने दिया है उस अंतिम संस्कार में वो एक चीज कहते हैं, वहां एक शब्द आया है भस्म होना, और भस्म का मतलब है जलाना। तो जलाने से और दफनाने से दोनों में बड़ा भारी अंतर है। वर्तमान समय में जो वैदिक व्यवस्था थी उसको लोगों ने छोड़ा, और उस वैदिक व्यवस्था के छोड़ देने के कारण जो वैदिक व्यवस्था है हमारी वो छूटी, और उसके छूट जाने के कारण ये कुप्रथाएं समाज के अंदर प्रचलित हुई। यदि हम सबको जलाते हैं तो जलाने से हम कई प्रकार के प्रदूषणों से बचते हैं, जलाने से हम जो अग्नि का हिस्सा है वो अग्नि को मिलता है, जो पंच महाभौतिक शरीर है ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इसको जलाना ही सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है। सबसे बड़ी चीज तो मैं आपको बता दूं, जलाने से हम एक स्थान पर आप सैकड़ों मुर्दों को जला सकते हैं, एक तो स्थान की कमी नहीं पड़ेगी जी। जलाने का सबसे बड़ा बेनिफिट मैं आपको बता रहा हूं, एक स्थान पर आया मुर्दा आपने जलाया, जलने के बाद में वहां से राख को आपने श्राप किया, और श्राप करने के बाद दूसरे मुर्दे को वहां पर आसानी से एक ही स्थान पर आप हजारों लाखों सैकड़ों लोगों को आप उनके सब को जला सकते हैं, स्थान की कमी। और यदि दफनाते हैं तो इतनी सारी भूमि है जो आपको घेरनी पड़ेगी। लेकिन दूसरी चीज मैं आपको इसमें बताना चाहता हूं, जब हम मुर्दे को दफनाते हैं तो उससे पाखंड बढ़ता है। आप कहेंगे जी पाखंड का सहन कैसे हुआ कि जहां पर आपने मुर्दा जलाया उस पर लोग आज क्या करने लगे, कब्रें बनाने लगे जी, और कब्र पूजा वहां से चलती है, कब्र पूजा करते हैं, उन पर चद्दरें चढ़ाते हैं, और उन चद्दरों के कारण उन चद्दर चढ़ने के कारण वहां पर धूप दीप चलने लगता है, वहां पर एक व्यक्ति बैठ जाता है आकर, और वो बैठता है और वहां पर चढ़ावा चढ़ने लगता है, और एक प्रकार से ये पाखंडवाद वहां प्रारंभ हो जाता है। तो कब्र पूजा से पाखंडवाद बढ़ता है, कब्र पूजा से आप मुर्दा दफनाया आपने उसमें सड़न पैदा होती है, सड़न पैदा होगी तो सड़न पैदा होने से मृदा प्रदूषण होगा। और एक चीज मैं आपको बताऊं, कई सारे जीव जंतु ऐसे होते हैं, आप दफना कर चले गए लेकिन जीव जंतु ऐसे होते हैं वो खोद करके उसको निकाल सकते हैं, और निकालने के कारण वो उसको घसीट कर ले जाएंगे, खींच कर ले जाएंगे, और ले जाने से वो कहीं यत्र तत्र डाल देंगे, तो बरसात होती है, बरसात का पानी नदियों में जाता है, उससे प्रदूषण बढ़ता है। तो इस प्रकार की ढेरों प्रदूषण से पाखड़ से बचने के लिए हमें केवल सबको जलाना चाहिए, ये वेद के अंदर भी इसका हमें प्रमाण मिलता है, वेद भी हमें ये कहता है, वेद के अंदर ये चीज बताई गई है, स्पष्ट रूप से बताई गई है कि मुर्दे को जलाना चाहिए, दफनाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, उसको नहीं दफनाना चाहिए। भस्मांतम इदम शरीरम जी बोल रहे हैं, भस्मांतम इदम शरीरम, भस्म करो, ये वेद के अंदर आया।